बैक टू माई चैनल और आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के उंगलियों में नकल्स होते हैं और आपके हाथों के एल्बोज होते हैं वहाँ पे डार्कनेस हो जाती है, तो उसको लाइट कैसे करें। मैंने एक पेस्ट बनाया है कि जिस पेस्ट को आप लोग लगाते ही आप लोगों के वहाँ के डार्कनेस और टैनिंग आप लोगों की रिमूव हो जाएगी। तो वो पेस्ट मैंने होम इंग्रेडिएंट से ही रेडी किया है। आप लोग इस वीडियो को देख पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये पेस्ट मैंने कैसे रेडी किया है। और स्किप ज़रा भी मत करिएगा वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये पेस्ट मैंने कैसे रेडी किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पेस्ट मैंने कैसे रेडी किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी करने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल का आटा सभी को घरों में रहता है, इजीली मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 3 चम्मच दूध लिया है, कच्चा दूध आपको लेना है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब जल 1 टेबल स्पून और फिर मैं आधा नींबू लूँगी 1 चम्मच। चावल में फेरुलिक एसिड और एलेंटाइन होता है जो इसे स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया सनस्क्रीन बनाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉप तेज होती है जो सनबर्न से बचाती है और टैनिंग भी दूर रखती है। और मैंने नींबू इसलिए लिया था क्योंकि नींबू में एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल आपके टैनिंग को रिमूव भी करेगा और बल्कि साथ ही साथ आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा। फिर मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेस्ट बनाइएगा तो ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने हाथों पे आपको चलो अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसको आप लोग अप्लाई कर ली, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथों में। 10 मिनट तक मैं अपने हाथों में इसको सर्कुलेशन मशीन में हल्के हाथों से मसाज करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे धुल के आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट पहले से तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग हफ्ते में 3 बार लगाइएगा तो और अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये प्रोसेस आप लोग करिएगा ज़रूर। 2 से 3 दिन आप लोग हफ्ते में कर सकते हैं, तब आप लोग इसका रिजल्ट खुद देखने को पा जाएंगे। मैं ये खुद पे ट्राई करती हूँ तभी आप लोग के पास वीडियो पहुँचाती हूँ आप लोग तक। और आप लोग को अगर वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मैं आने वाली वीडियो जब अपलोड करूँ तो आप लोगों के नोटिफिकेशन में शो हो। आज के लिए बस इतना ही, टाटा, आई लव यू।